सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप BSF ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की ये ऑफिशियल साइट खोल लेना है। तो दोस्तों, आपको फॉर्म भरने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको नीचे की साइड में जाना है। तो यहां पर आपको करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग्स, तो यहाँ पर BSF ग्रुप सी इंजीनियर्स रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले व्यू डिटेल, इस पर क्लिक करके यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है। आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिटेल है, नंबर ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर आपको सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिलेक्शंस अपर एज लिमिट, तो यहाँ पर आपको एज लिमिट की जो कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ASI ड्राफ्टमैन ग्रेड थर्ड या HC कारपेंटर या SC प्लम्बर, तो इन सारी पोस्ट के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो हाइट, चेस्ट, वेट, ये जो है सब आपको देखने को मिल जाएगी, ये सारी डिटेल। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारा नोटिफिकेशन है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल फिल करना है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम, प्रत्याशी का नाम, इस बॉक्स में आपका कैंडिडेट नेम आ जाएगा। यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जनरेट OTP, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके ईमेल या मोबाइल पर OTP जाएगा, वो आपको फिल करके वेरीफाई करना है। दोस्तों, आप जैसे ही OTP डालकर आपकी जो डिटेल है सारा फॉर्म फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड और ये भेज दिया जाएगा। पहले से रजिस्टर्ड है BSF की साइट पर, तो आप लॉगिन करके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे लॉगिन करेंगे, अगली स्टेप आएगी, तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल अपडेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, पहले आपने जो भी फॉर्म भरा है। उसके बाद में यहाँ पर अप्लाई नाउ एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अप्लाई हेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, फुल नेम, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी। आप अगर पहले से BSF की साइट पर रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के OTP डालकर वेरीफाई करना है। उसके बाद में दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर ये बता रहा हूँ, ये डेमो डिटेल है, तो आपको अपनी सही डिटेल फिल करना है। आइडेंटिटी डिटेल, तो यहाँ से आपको यहाँ पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है,
आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी आयु आ जाएगी, यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा, यहाँ पर आपको फादर्स नेम आ जाएगा आपका, यहाँ पर मदर्स नेम आ जाएगा इस बॉक्स में, यहाँ पर आपको स्थायी पहचान चिन्ह, आपके शरीर पर कोई स्थायी पहचान चिन्ह है तो वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी हो आप। उसके बाद में यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, मैरिड अनमैरिड वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी रिजर्वेशन, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी रिजर्वेशन में आपको यहाँ पर रिलीजन में आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो आप वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी हो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या आप नॉन क्रिमिनल लेयर से संबंधित रखते हैं, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य आ जाएगा, यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम आ जाएगा, यहाँ पर किसने जारी किया है आपका सर्टिफिकेट वो आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि वो आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सब कैटेगरी रिजर्वेशन, तो यहाँ पर आपको क्या आपको कोई विकलांगता है, तो आप इसको यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं अगर विकलांगता में आते हो तो, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ पर अगर है तो इनकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सेव नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है, यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपनी विलेज सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपका जो पड़ता हो वो उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको करस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आप करस्पोंडेंस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस डब्बे पर सेम एज परमानेंट एड्रेस आप इस पर टिक कर सकते हैं, या अलग अलग डालना हो तो आप नीचे अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यहां से यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद में यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड, तो यहां पर आपकी जो है हाइट ऊँचाई आप देख सकते हैं 175 होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर आपका चेस्ट है वो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका वेट इतना होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर, तो यहां पर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हो तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहां पे आपको अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल दे देना है। तो यहां पर आपको नोट में लिखा हुआ है मेंशन योर क्वालिफिकेशन इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल एंड, तो आपके जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपको अपने 10th की 12th की जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देना है। यहाँ पर सबसे पहले 10th की डिटेल आएगी, उसके बाद में यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र संख्या आ जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर आपका पासिंग ईयर आ जाएगा, यहाँ से कौन से राज्य से आपने पास किया है, यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम आ जाएगा, स्टेट बोर्ड से पास किया है तो स्टेट बोर्ड आ जाएगा, या CBSE जो भी हो आपका वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में ये डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको 10, 12 ग्रेजुएशन आपकी जो भी डिटेल मांगी है फॉर्म के लिए वो आपको यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सही डिटेल डालना है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ डेमो डिटेल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आर यू एम्प्लॉई, क्या आप सेवारत हैं, तो यहाँ पर है तो यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है और आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पर दोस्तों सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, तो यहाँ पर आपका जो फोटो आ जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट, यहाँ पर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी से फॉर्म फिल करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो डिटेल है वो इस तरीके से आपको फिल करके यहाँ पर
सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिटेल दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आपने जो डिटेल डाली है वो एक बार रिव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल डाली है वो एकदम सही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर आपको प्लेस, यहाँ पर सेंटर प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको प्लेस में आपने जहाँ से फॉर्म डाला है उस जगह का आपको नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर केंद्र की प्राथमिकता, तो यहाँ से आपको इनमें से आप देख सकते हैं पर दिल्ली सेंटर, यहाँ पर CHWT, BSF इंदौर, यहाँ पर राजस्थान, बेंगलोर, यहाँ पर गुवाहाटी, जम्मू, इनमें से आप कोई एक आपको केंद्र की प्राथमिकता सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस डिटेल, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 100 रुपये, तो आपकी जो कैटेगरी वाइज है फीस लग रही है तो यहाँ पर 100 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक, यहाँ पर कार्ड पेमेंट या नेट बैंकिंग या UPI या वॉलेट, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर इस डब्बे पर टिक करना है और आपको पे नाउ इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एग्री पे इस पर क्लिक करना है। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने जो कार्ड की डिटेल है वो यहाँ से फिल करेंगे और पे ये इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे अपने फॉर्म की पेमेंट करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो आप उसे प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप BSF ग्रुप सी इंजीनियर्स ऑनलाइन फॉर्म 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।